हेलो गाइस, आज हम करेंगे 3 ND फिल्टर का कंपैरिजन। एक है सिग्नी का, स्काईबिक का ND8, एक है ND16 और एक है कासे का 4000 ND फिल्टर। ठीक है, 4000 ND फिल्टर मतलब ये है ND12। सो ND12, ND8 और ND16, ये तीनों का कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे कि तीनों में से डार्क कौन सा है। अब ND फिल्टर क्या है बताने के लिए ये आया है हमारे पास। तो बताओ एंटी फिल्टर क्या है? एंटी फिल्टर एक सनग्लास है तुम्हारा मोबाइल के लिए। हाँ। तो लाइटिंग करने से तुम्हारा फोटो काटते हैं, सब चीज को डार्क बना देता है। डार्क बनाने से क्या होता है? अगर डार्क बन जाएगा हमारा फोटो तो क्या फायदा है उसका? आज हम देखेंगे उसका बेनिफिट। ठीक है, तो चलिए हम आए हैं इतना ब्यूटीफुल प्लेस में और हम क्या करेंगे, अभी इसका फोटो लेंगे और देखेंगे ये एनडी फिल्टर से हम क्या बेटर फोटो ले सकते हैं। चलिए, यहाँ पे मैंने मोबाइल सेट कर दिया है। अभी हम देखते हैं कि एनडी फिल्टर से क्या हम इस पानी का जो लहरें निकल रहे हैं, जो वेव्स निकल रहे हैं, उसको क्या हम स्मूथ वाटर बना सकते हैं या नहीं। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले सेटअप में। यहाँ पे मैंने मोबाइल में मैनुअल मोड या फिर प्रो मोड में चला गया है। अभी मैं यूज कर रहा हूँ 1+80। तो अभी मैंने सेट कर दिया ISO को लोएस्ट में, फिर मैंने इसको व्हाइट बैलेंस को सेट कर दिया। डिपेंडिंग अपन अपना जो भी कूल टोन चाहिए या फिर वार्म टोन चाहिए, मुझे कूल टोन चाहिए तो मैं इसलिए इसको 5600 में सेट कर दिया ऑलमोस्ट। एंड देन हम इसको क्या करेंगे, अपने हिसाब से जो शटर स्पीड है, शटर स्पीड को भी सेट कर देते हैं। शटर स्पीड ही मेन इंपॉर्टेंट थिंग है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1/320 में मैंने सेट किया है, तो आपका जो आउटपुट है वो अच्छा दिख रहा है। अभी हम क्या करेंगे, ND फिल्टर 8 ट्राई करेंगे सिग्नी का, और ये लगा दिया मैंने ND8 फिल्टर और देखते हैं आउटपुट कैसा आ रहा है। ऑब्वियसली आपका लाइट कम हो गया क्योंकि ये एक ब्लैक ग्लास है, तो आपका लाइट कम कर देगा, लेकिन उसको हमको लाइट इंक्रीज करने के लिए अभी हमको शटर स्पीड इंक्रीज करना पड़ेगा। तो शटर स्पीड को डिक्रीज करना पड़ेगा, इसका मतलब हमको लॉन्ग एक्सपोजर फोटोग्राफी करने का मौका मिलेगा। और आप जैसे कि देख सकते हैं मैं यहाँ पे 1/30 में सेट कर दिया हूँ, तो आपका क्लियर आउटपुट अभी दिख रहा है। ये निकालने के बाद एनडी फिल्टर ऐसा दिख रहा है। कहता हूँ 1/130 कर देता हूँ और एक फोटो ले लेते हैं। और फोटो लेने के बाद आप देख सकते हैं कि आउटपुट जो पानी का जो लहरें हैं वो अभी तक भी दिख रहे हैं, दैट मीन्स हमको स्मूथ वाटर नहीं मिला। तो हमको ज्यादा डार्क वाला एनडी फिल्टर चाहिए, ना कि ये ND8। सो ND8 यहाँ पे काम नहीं करेगा, हमको ND और ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा, मतलब डार्कनेस और ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। तो इसीलिए हमको क्या करना पड़ेगा, अभी मैं चलता हूँ कासे लेंस के तरफ और हम कासे लेंस को ट्राई करते हैं, कासे का 4000 ND फिल्टर जो कि ND12 है। अभी हमारा ND4000 फिल्टर आ गया है, तो ND4000 फिल्टर इसमें लगाते हैं और देखते हैं कि कितना डार्कनेस देता है। तो अभी हम क्या करेंगे, ND4000 लगा देते हैं और देखते हैं कैसा आउटपुट आता है। अभी हमारा जो आउटपुट है नॉर्मल एनडी का, देख लीजिए शटर स्पीड कैसा है। अभी एनडी फिल्टर लगाने के बाद आप देख सकते हैं कुछ भी नहीं दिख रहा है, पूरा डार्क हो गया है, मतलब इसका जो एनडी का जो ब्लैक डार्कनेस है वो सबसे ज़्यादा है। ऑब्वियसली 8 से तो ज़्यादा है, अभी हमको देखना पड़ेगा 16 से ज़्यादा है कि नहीं। तो मैं रोटेट कर रहा हूँ और रोटेट करने के बाद भी आप देख सकते हैं एक 3 सेकंड में फ़ोटो ले रहा हूँ, लेकिन आपका जो आउटपुट है वो अभी भी डार्क है, मतलब हमको जो शटर स्पीड है और थोड़ा सा लो करना पड़ेगा, दैट मीन्स हमको उसका एक्सपोजर को और देना पड़ेगा। तो हम अभी सेट किए हैं 10 सेकंड 8 सेकंड में, वो भी बहुत कम है मुझे लग रहा है। 8 सेकंड में भी आपका आउटपुट इतना नॉर्मल आउटपुट नहीं आएगा, फिर भी डार्क आएगा, देख लीजिए अभी भी डार्क है। तो हमारा शटर स्पीड और बढ़ाना पड़ेगा, शटर स्पीड और घटाना पड़ेगा। अभी 15 में ले रहा हूँ, लेकिन 15 में भी मुझे लग रहा है ये बहुत स्लो होगा,
तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट 30 सेकंड लगाते हैं और 30 सेकंड में देखते हैं आउटपुट कैसा आता है। तो ये मैंने सेट कर दिया है 30 सेकंड में अभी, और फिर फोटो लेते हैं। ये लगा है करेंटली कासे का एनडी फिल्टर, जो कि बहुत ही डार्क है, और आप देख सकते हैं ये 30 सेकंड का फोटो ले रहा है, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। तो देखते हैं आउटपुट कैसा आता है। 30 सेकंड तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। और क्या ये वाटर ब्लरी बना सकता है? मुझे लग रहा है ये डेफिनेटली ब्लरी बनाएगा, क्योंकि ये 30 सेकंड का एक्सपोजर ले रहा है। ठीक है, 30 सेकंड तक ये शूट कर रहा है पूरा जो लैंडस्केप को। ठीक है, अपना फोटो आ गया है, तो देखिए अपना जो वाटर है पूरा फुल ब्लरी बन गया है। अभी हमको पता चल गया कि जो एनडी फिल्टर कासे का 4000 एनडी फिल्टर है, ये आपको दे सकता है 30 सेकंड तक का एक्सपोजर। ठीक, अपना एनडी 4000 तो इतना डार्क है, अभी देखते हैं स्काईविक का जो 16 ND16 है वो उससे भी ज़्यादा डार्कर होना चाहिए। ये है स्काईविक का ND16 का फिल्टर, तो देखिए लगाते हैं इसको और देखते हैं कितना सेकंड हम एक्सपोजर ले सकते हैं इस एनडी फिल्टर से। तो अभी सेट है अपना 160 में सेट है। ठीक है, तो इसको लगाने के बाद देखते हैं हम कितना, हमको कितना बढ़ाना पड़ेगा। तो एक बार लगा लेते हैं। ओके, लग गया। अभी देख लेते हैं अपना ND16 फिल्टर लग गया है कैमरा में। ठीक है, अभी देखते हैं, स्टार्ट करते हैं इसको शटर्स को बढ़ाना। और देखिए ये कितना फालतू लेंस है, ये कितना फालतू ND16 लिखा है, लेकिन ये ND16 है नहीं। ठीक है, तो ऑब्वियसली आप देख सकते हैं 1/30 नहीं कर सकते हैं। हमारा जो ND4000 था उसमें हम पूरा लास्ट तक चले गए 1/130 तक, लेकिन इसमें आपका ज़्यादा आप जा नहीं सकते, ओनली 1/3 तक जा सकते हैं। तो जैसे कि आपने देखा, इसका जो एनडी का डार्कनेस है बहुत कम है कंपेयर टू कासे लेंस, सो इसीलिए इसका जो प्राइस है 1200-1300 ऐसा प्राइस है, और कासे का 2000-3000 रुपीज़ का प्राइस है। मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।